गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ड्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर टू से कुछ पंक्तियाँ मैं आज अंडरलाइन कराऊंगी, तो आप लोग अपने बुक को ओपन कर लीजिए और साथ ही पेंसिल भी ले लीजिए। तो छोटा जादूगर में सबसे पहले जो अंडरलाइन करना है लाइन, वो क्या है? उसके मुँह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? नेक्स्ट पेज। और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। उसके बाद, मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। और उसके बाद है, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। लास्ट लाइन, मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। नेक्स्ट पेज में, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। इसके बाद नेक्स्ट पेज, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मंच सजा था। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? पेज नंबर 10 में आप लोगों को लास्ट में अंडरलाइन करना है, उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो मैंने आप लोगों को जितनी भी पंक्तियां अंडरलाइन कराई है, उन सब से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे खाली स्थान, किसने किससे कहा, या वन वर्ड आंसर। तो अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, लर्न शब्दार्थ ऑफ चैप्टर 2, और ये शब्दार्थ आप लोगों का बुक के एकदम अंतिम जो पेज है वहाँ पर है। पेज नंबर आपको मैं दिखा दे रही हूँ कौन सा है, चैप्टर 2 का। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ है, 1 का भी था, पेज नंबर आपका है 139। तो पुष्प की अभिलाषा और जितने भी चैप्टर्स है उन सब का शब्दार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ छोटा जादूगर का है, तो आज का जो होमवर्क है आप लोग यहाँ से देखकर उसको लर्न करेंगे। थैंक यू।